हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार के नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। दोस्तों, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को बरीय वेतनमान नहीं मिल रहा और इसलिए स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार लगातार विरोध कर रहा है और पत्र जारी कर बिहार सरकार से मांग की है कि स्नातक ग्रेड के प्रशिक्षित शिक्षकों को वरीय शिक्षक से भी ज़्यादा वेतन दिया जाए, क्योंकि जो है स्नातक ग्रेड के शिक्षक बेसिक ग्रेड के शिक्षक से वरीय हैं, लेकिन वेतन निर्धारण करते समय वरीयता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और वर्ष 2013 से 30 जून 2015 तक नियुक्त स्नातक ग्रेड के शिक्षक जो सेवा पूर्व प्रशिक्षित थे, उन्हें 1 जुलाई 2015 के वेतनमान निर्धारण में प्रशिक्षित मानते हुए बिना ग्रेड वेतन के वेतन निर्धारण किया गया। अर्थात उन सभी शिक्षकों को जिनकी बहाली 2013 में स्नातक शिक्षक के रूप में हुई थी, उन सभी शिक्षकों को ग्रेड नहीं दिया गया और उनके साथ ही उन्हें ग्रेड वेतन का लाभ भी नहीं दिया जा रहा। और इसके बाद उनकी सेवा के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत जो कि देने का प्रावधान था वो भी न्याय संगत नहीं है। स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक को वेतनमान की तिथि से ग्रेड वेतन का लाभ दिया जाए और प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। स्नातक ग्रेड के वो सभी शिक्षक जिनकी बहाली 2013 में हुई और जो 30 जून 2015 तक नियुक्त हुए हैं, उन सभी शिक्षकों को स्नातक ग्रेड के ऊपर माना जाए और उन्हें उन्हीं के अनुसार वेतन भी दिया जाए। स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षकों का कुल वेतन लेवल 3 का इंटेक्स में 9 से कम नहीं निर्धारित होना चाहिए, इसकी भी मांग की गई है शिक्षक संघ के द्वारा। और शिक्षक संघ ने कहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि नियमावली 2020 के अनुसार विद्यालय में प्रधानाध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, इसका भी प्रावधान था और आगे भी इसकी प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षक संघों ने मांग की है कि नव प्रशिक्षित शिक्षकों को भी वेतन का लाभ दिया जाए। ये सभी मांग स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षकों की थी जिनकी बहाली 2013 से 2015 के बीच हुई है और इन सभी शिक्षकों को वरीयता का लाभ नहीं मिल रहा है और सभी शिक्षकों को वरीयता का लाभ मिलना चाहिए। इन सभी शिक्षकों को लेवल 3 के इंडेक्स में 9 का वेतन मिलना चाहिए। ऐसे दोस्तों, अभी शिक्षक संघ ने ये मांग रख दी है सरकार के समक्ष और देखना होगा दोस्तों कि सरकार तक इन मांगों पर विचार करती है, क्योंकि सरकार तो सरकार है और उन्हें थोड़ी देर तो होगी। शिक्षा विभाग अभी फॉर्म में है और हो सकता है जल्द ही इस पर विचार हो सकता है। स्नातक ग्रेड शिक्षकों के वेतन में वृद्धि तो होगी ही, वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी इन्हें दिया जाएगा। तो आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधित तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार को। यहाँ पर आपको बिहार की नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लगातार मिलती रहती है।